नमस्ते, कैमन आचो, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑस्मोसिस प्रिया। एंड जैसे कि हमारा सीरीज चल रहा है मेडिकल फैक्ट्स एवरीवन शुड नो, फीमेल हेल्थ एंड हाइजीन हम कंटिन्यू कर रहे थे। सो गाइस, एक और न्यू वीडियो लेके आई हूँ। सो आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए फ्रेंड्स। सो ऐसे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको हेल्पफुल लगे सो प्लीज़ गिव थम्स अप एंड मेंशन मी इन कमेंट्स। अगर आपको कुछ भी फीमेल हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या फिर अगर आपको कोई क्वेरीज है सो प्लीज़ मेंशन मी इन कमेंट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ कीप योर बटन ऑन, ताकि आपको हमेशा ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलता रहे। सो आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेंटेन योर वजाइनल हाइजीन। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स, आपको हमेशा आपका जो आपका इनर्स है वो आपको वाइजली चूज़ करना चाहिए। मीन्स आपको पैंटीज आपके होने चाहिए वो कॉटन के होने चाहिए, ना कि आपको लेस या फिर ना कि नेट के। वो एक्चुअली काफ़ी डिज़ाइन वाले होते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन आपको वो नहीं लेना चाहिए। आपको अपना कम्फर्टेबल देखते हुए और डेली यूज़ के लिए आपको कॉटन का होना चाहिए, और आपका एक साइज़ बढ़ा ले ताकि आपको वो लूज़ होए और कंफर्टेबल रहे। सेकंड टिप ये है कि आप कोई भी सोप या फिर आप कोई ऐसा फ्रैगनेंस वाला चीज़ यूज़ ना करें वजाइनल को क्लीन करने के लिए। आप जस्ट वाटर के थ्रू क्लीन कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है लाइक आपको यूरिन पास करने के टाइम बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, या फिर अगर आपको यूटीआई का प्रॉब्लम है, तो आप जो पीएच बैलेंसिंग वाले जो वजाइनल वॉश आते हैं आप उसका यूज़ कर सकते हो, पर रेगुलरली यूज़ ना करें। पीएच बैलेंसिंग वाले जो वजाइनल वॉश आए हैं वो हमें डेली यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी इसके ऊपर स्टडीज चल रहे हैं, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। तो इसलिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो ही आप यूज़ करें, अदरवाइज़ आप वीक में एक बार या दो बार ही यूज़ करें, डेली यूज़ ना करें। सो फ्रेंड्स, थर्ड टिप ये है कि आप अपना हेल्दी डाइट मेंटेन करें, प्रॉपर डाइट मेंटेन करें, लाइक जैसे योगर्ट हो गया, दही हो गया, या फिर कैनबेरी जूस हो गया, या फिर ऑरेंजेस हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब अपने डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करें। यह आपके जो वजाइनल जो पीएच होता है उसको मेंटेन रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और आपका जो पीएच का नॉर्मल जो पीएच बैलेंस होता है वजाइना का वो 3.4 to 4.8 देखा गया है। सो उसको मेंटेन करने में ये सब आप डाइट में फॉलो जरूर से ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, फोर्थ टिप हमारा ये है कि आप जब भी लव मेकिंग करें, जब भी सेक्स करें, तो अनप्रोटेक्टिव सेक्स ना करें, हमेशा प्रोटेक्टिव सेक्स के ऊपर जाएं, ताकि आपको या फिर आपके पार्टनर को कोई STDs ना हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो, या फिर कोई स्किन इन्फेक्शन, और ये सब से आपको बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट टिप है ये है कि आप अपने वजाइनल एरिया को हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखें, प्रॉपर क्लीन रखें। लाइक अगर आप यूरिन से आ रहे हो तो आप उसको विदा हेल्प ऑफ टिशू या फिर आप ऐसे वाइप के थ्रू उसको क्लीन रखें, उसको ड्राई रखें, और अगर आप जो टॉयल यूज़ कर रहे हो उसको भी हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, लाइक एवरी 2 to 3 days में आप उसको चेंज करें, ताकि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको ना होए। और जब भी आप क्लीन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले आप टॉप टू बॉटम जाएं, मीन्स जो आपका वजाइनल एरिया है पहले उसको जाए, रेक्टम की तरफ, एनस की तरफ बाद में जाए, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं और उससे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आपको आगे जाके UTI की प्रॉब्लम कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वजाइनल एरिया को कैसे हाइजीन मेंटेन रखना है अभी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है लाइक फीमेल हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड, या फिर कुछ भी ऐसा मेडिकल क्वेरीज है, सो यू कैन मेंशन मी इन योर कमेंट्स, और मैं ट्राई करूँगी कि उसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो रहे उसी के ऊपर रहे। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टेक केयर, बाय बाय।